मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहम के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मेरे कुछ दोस्त, शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघाता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ भी नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। ये कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने कॉमरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था, यहां तक कि मेरे एक दोस्त श्री बटुकेश्वर दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर मेरी स्वेच्छाचारी कहकर निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है, और गंभीर रूप से शिकायत है, कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूं और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूं। ये बात कुछ हद तक सही भी है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहां तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है। लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो, और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति उचित गर्व की अधिकता है। क्या ये अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया? अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? मैं ये समझने में पूरी तरह सफल रहा हूं कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान कैसे किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूं, ये तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूं या मेरे अंदर वे गुण नहीं जो इसके लिए आवश्यक है। यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहम के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव है। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, या वो स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वो सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वो अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है, और दूसरी अवस्था में भी वो एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। न तो एक प्रतिद्वंदी हूं, और न ही एक अवतार, और न ही स्वयं परमात्मा। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर किया जाए। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस वजह से मैं वृथाभिमानी हो गया। मेरा नास्तिकवाद कोई अभी हाल ही की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, किंतु मैं कभी भी बहुत मेहनती पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही न मिल सका।
मैं तो एक बहुत ही लज्जालु स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव से मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे एक साल उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अतिरिक्त घंटों में गायत्री मंत्र का जाप करता था। उन दिनों में पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वो एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं है, उनका ईश्वर में पक्का विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहां तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। और अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे लंबे बाल रखता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में पक्की आस्था थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां जिस पहले नेता के साथ मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठ पूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो पूजा कर लिया करो। ये नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके संपर्क में मैं आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कॉमरेड शचीन्द्रनाथ सान्याल आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी पुस्तक बंदी जीवन, उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो द रिवॉल्यूशनरी पर्चा बांटा गया था, उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। उसमें सर्वशक्तिमान और उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा की गई है। मेरा ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। काकोरी के सभी चार शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने बृहद अध्ययन के बावजूद राजेन लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी भी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वो भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, किंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी भी हिम्मत नहीं की। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। ये मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो, अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया, इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ली, नहीं और अधिक रहस्यवाद, नहीं अंधविश्वास, यथार्थवाद हम लोगों का आधार बना। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन, ट्रॉट्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली, इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है।
मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था।